हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन अकास्टेम एजुकेशन। सर डियर स्टूडेंट्स, आप जो लोग नीट 2020 में अपीयर किए थे, आप सारे लोग के लिए इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग देने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करना चाहिए कि आपका नीट 2021 का काउंसलिंग कब हो सकती है, एंड एज वेल एज आप नीट 2021 के लिए बैठने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है, रहना जरूरी है। तो उससे पहले चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बटन को मस्ट ऑन करना, बिकॉज अकास्टेम एजुकेशन पे आपको नीट के अपडेट्स हर रोज मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों को अपडेट जो है बोल देने की ट्राई करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि नीट 2021 का जो कमिटी है, मेडिकल कमेटी, आप जानते हैं कि MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, तो MCC जो है उनके तरफ से एक अपडेट आई है कि उनके तरफ से ये बोला गया है कि नीट 2021 का काउंसलिंग हो सकती है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो महीना चल रहा है, आप लोग जानती हो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका है कि जो फेज वन है उसका रिजल्ट्स आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 तारीख के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको इसके रिगार्डिंग ये बोल सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर पे आपको आपका रिजल्ट जो है, सॉरी, जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। तो जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी अकास्टेम एजुकेशन पे, सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चलिए बढ़ते मैं आपको और भी एक अपडेट दे देना चाहता हूँ कि नीट 2021 में काउंसलिंग में बैठने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना ऑब्वियसली जरूरत है। वो है, पहला देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड ऑफ द नीट 2021 एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड को संभाल के रखना, प्रिंट आउट लेके, अब लोग का प्रिंट आउट है उसको प्लीज पास में रखना। उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ नीट 2021 एग्जामिनेशन और रैंक जो लेटर है, रिजल्ट्स के बाद जो रैंक कार्ड आपको मिलेगी, रैंक कार्ड को प्रिंट आउट लेके रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। उसके बाद मार्क्स एंड द सर्टिफिकेट्स ऑफ टेंथ ग्रेड का जो एडमिट रिजल्ट था एंड जो सर्टिफिकेट था उसको रखना, 12th का भी रिजल्ट एंड जो सर्टिफिकेट था उसको रखना। उसके बाद एन ऑफिशियल गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ वैलिड इज नॉट एक्सपायर्ड, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जैसे कोई फोटो आईडी प्रूफ प्लीज अपने पास कोई भी एक रख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द नीट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म आस्क्स फॉर द 6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटोज, मतलब आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो रहना इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको रखना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपका पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो प्लीज रिन्यूअल करके, आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्लीज रिन्यूअल करके रखना, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड अलॉटमेंट लेटर इन प्रोविजनल फॉर्म, ये तो आपको बाद में लगेगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पहले का जो चीज मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज प्लीज जुगाड़ करके रखना अपने पास, ठीक है। एप्लीकेंट्स मस्ट बीइंग बोथ ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशनड, जो बोला गया यहाँ पे आपको बोथ, आपको फोटोकॉपी भी लगेगी एंड एज वेल एज आपका जो ओरिजिनल कॉपी वो भी लगेगी, तो बोथ आप लोग जुगाड़ करके रखना, शायद आप लोगों का थोड़ा बहुत जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स जब भी मैं मुझको मिलेगा आपके साथ शेयर कर दूंगा इस चैनल पे। तो तब तक के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।